गाइस, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि अगर हमें कोई भी एक गिवन फंक्शन दिया हो तो उसके पोल्स और ऑर्डर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आसान तरीका जो हमारे पास है कि पोल्स कैसे निकालते हैं, हम डिनोमिनेटर में देखेंगे हमारे पास क्या है, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर एंड जेड प्लस टू। तो यहाँ पर हम जेड की कौन कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा गिवन फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए, इसके लिए हम डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद जेड की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, जेड इज इक्वल्स टू माइनस टू एंड वन। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड आवर पोल्स। और ऑर्डर क्या होगा हमारा, ऑर्डर ये जो इनकी पावर है ये ऑर्डर कहलाती है। जेड इज इक्वल्स टू माइनस टू हमारा पोल है, उसका ऑर्डर क्या है, जेड इज इक्वल्स टू माइनस टू हमारा यहाँ से आया और इसकी पावर कितनी है, वन। तो जेड इज इक्वल्स टू माइनस टू इज ए पोल ऑफ ऑर्डर वन। और जेड इज इक्वल्स टू वन हमारा कहाँ से आया, यहाँ से। तो जेड इज इक्वल्स टू वन इज ए पोल ऑफ ऑर्डर टू। कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने के लिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस वन की होल पावर फोर जेड माइनस वन जेड माइनस थ्री। नाउ इफ़ वी टेक डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज जेड माइनस वन की होल पावर फोर जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, देन वी गेट जेड इज इक्वल्स टू वन टू एंड थ्री। यहाँ पे जेड माइनस वन टू दी पावर की होल पावर फोर को हम सिर्फ एक ही बार लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फैक्टर फाइंड नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ पोल्स देखने हैं, तो ये एक ही बार काउंट होगा। तो हमारे जेड इज इक्वल्स टू वन टू थ्री आर दी पोल्स, क्योंकि इन पॉइंट्स पे हमारी फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। और यहाँ पे जेड इज इक्वल्स टू वन जेड माइनस वन की होल पावर फोर से आया, तो जेड इज इक्वल्स टू वन इज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर फोर, एंड जेड इज इक्वल्स टू टू इज ए पोल ऑफ ऑर्डर वन, एंड जेड इज इक्वल्स टू थ्री इज ए पोल ऑफ ऑर्डर वन। ऐसे ही हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, वन अपोन इज इक्वल्स टू एफ ओ जेड वन अपोन जेड स्क्वायर प्लस वन की होल पावर क्यूब। इसको हम फैक्टराइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपोन जेड प्लस आई की होल पावर क्यूब एंड जेड माइनस आई की होल पावर क्यूब। नाउ जेड यहाँ पे डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखने पे हमारे पास क्या है, जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड जेड इज इक्वल्स टू प्लस वन। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पोल्स हमारे गिवन फंक्शन के। और हमारा यहाँ पे क्या है, जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो इसकी पावर कितनी है, थ्री। तो जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई इज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर थ्री। और जेड इज इक्वल्स टू वन कहाँ से आया, यहाँ से, जेड माइनस वन की होल पावर थ्री है, तो जेड इज इक्वल्स टू आई इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर थ्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड जेड स्क्वायर अपोन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो जेड स्क्वायर अपोन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड प्लस ए आई और जेड माइनस ए आई। पोल्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें पोल्स हमारे डिनोमिनेटर से ही निकलेंगे और हमें फैक्टराइज करना इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे पास फैक्टराइज नहीं होते हैं तो हम उसको श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इनको डिनोमिनेटर को जीरो रखेंगे तो हमारे पास आएगा जेड इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड जेड इज इक्वल्स टू प्लस ए। हमारा यहाँ पे जेड इज इक्वल्स टू माइनस, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वन अपोन जेड स्क्वायर प्लस वन की होल क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, वन अपोन जेड प्लस आई की होल क्यूब जेड माइनस आई की होल क्यूब। इस डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो के रखने इक्वल टू जीरो रखने के बाद हमारे पास क्या आया, जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन इज अ पोल ऑफ ऑर्डर थ्री, बिकॉज जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस आई सॉरी जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई हमारा कहाँ से आया, यहाँ से आया, और इसकी पावर कितनी है, थ्री। सो जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर थ्री, एंड जेड इज इक्वल्स टू आई कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसकी पावर थ्री है। सो जेड इज इक्वल्स टू आई इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर थ्री। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जेड स्क्वायर अपोन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, जेड प्लस ए आई इंटू जेड माइनस ए आई। अब इस टर्म को जीरो के इक्वल रखने पे हमें मिलेगा जेड इज इक्वल्स टू माइनस ए आई और जेड इज इक्वल्स टू प्लस ए आई। सो यहाँ पे दोनों की पावर एक है, तो जेड इज इक्वल्स टू इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर वन, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, अ सिंपल पोल। एंड जेड इज इक्वल्स टू माइनस ए आई इज़ ऑल्सो अ सिंपल पोल, दैट इज जेड इज इक्वल्स टू माइनस ए आई इज़ ऑल्सो अ पोल ऑफ ऑर्डर वन।
थैंक यू।